था, एक सुर में हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा कि एक साथ ही समुदाय के लोग बड़े संख्या में, लाखों के संख्या में, हजारों के संख्या में एक साथ हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेता है कि आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने पार्टी के साथ रहेंगे, अपने नेता के साथ रहेंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे, अपने दल के साथ रहेंगे। कसम खा रहा, और जो हमारे आरक्षण रोक के रखे हैं, जो हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनसे आने वाले 2024 में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आपने देखा, आज तक हिंदुस्तान में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। संकल्प यात्रा पर निकले मुकेश सहनी। बता दें कि सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसके तहत वो बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। साथ ही साथ उनका जिस जिले में वो जाते हैं वहां वीआईपी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और वीआईपी के समर्थक मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत करते हैं। ऐसे में एक बार फिर से मुकेश सहनी लखीसराय पहुंचे हुए हैं, जहाँ वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी का जमकर स्वागत किया। बता दें कि इसी कड़ी में वीआईपी के सवर्ण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विकास बढ़िया ने मुकेश सहनी का जमकर स्वागत किया, हाथी पर सवार होकर के आए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुकुट भी पहनाया, मुकुट पहना करके मुकेश सहनी का विकास बढ़िया ने स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीसराय से, जहां मुकेश सहनी जमकर गरजते हैं, कहते हैं कि निषाद अपना खेवैया खुद बन सकता है, केवट खुद बन सकता है और अपना नाव खुद ही चला सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी लखीसराय में, किस तरह से उन्होंने निषाद आरक्षण को लेकर के बातें कही है, संकल्प यात्रा में लोगों को संकल्प दिलवाया है, तमाम तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। निश्चित तौर पर निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पिछले महीने में जुलाई में 25 जुलाई से निकला है, तकरीबन 40 दिन हुआ। ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तीनों राज्य में 101 दिन का यात्रा होगा और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे, 80 जिला जाएंगे। और आपने देखा, एक सुर में हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा कि एक साथ ही समुदाय के लोग बड़े संख्या में, लाखों के संख्या में, हजारों के संख्या में एक साथ हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेता है कि आने वाले समय में अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने पार्टी के साथ रहेंगे, अपने नेता के साथ रहेंगे, अपने समाज के साथ रहेंगे, अपने दल के साथ रहेंगे। कसम खा रहा, और जो हमारे आरक्षण रोक के रखे हैं, जो हमारे अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनसे आने वाले 2024 में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए आपने देखा, आज तक हिंदुस्तान में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा। और आपने निश्चित तौर पर आने वाला समय में जो 2024 होगा उसमें बिहार ही नहीं, पूरे देश में निषाद समाज का जो वोट है वो निर्णायक वोट होगा। 60 लोकसभा ऐसा है, जब हमारे से दोस्ती करेगा उसको चुनाव जीतेंगे। 60 लोकसभा ऐसी सीट है जहाँ पे हमसे दुश्मनी करेंगे, वहाँ पे हारना पड़ेगा। आपने देखा कि आज जैसे खगर लखीसराय लोकसभा है या मुंगेर लोकसभा है, तो ये सब में हमारे एक बड़ा वोट बैंक है, 2.5 लाख 3 लाख ऐसे संख्या है। और निश्चित तौर पर अगर दोस्त जो व्यक्ति बनेगा उनके साथ अगर 2.5-3 लाख वोट जाएगा, तो निश्चित तौर पर जो अपने आप को मानता है कि हम जीतेंगे उनको हारना पड़ेगा। तो समाज जागरूक हो चुका है, अपने आने वाले भविष्य के लिए, बच्चे के लिए, अधिकार के लिए रोड पे उतरना चालू कर दिया है। पिछले 10 साल पहले 8 साल पहले इस समाज को कोई जानता नहीं था, लेकिन इस समाज अपनी मजबूती से खड़ा होकर आज अपनी पहचान हिंदुस्तान में बना लिया है। और मुझे लगता है सभी लोग साथ रहेंगे और आने वाला समय 2024 का होगा, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे, और हम अपने दोस्त को जिताएंगे और दुश्मन को हराने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन दोनों में से ये अभी हम अभी हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी उनके पास समय है, देश में सरकार उनकी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो निषाद समाज को आरक्षण दे देंगे तो निश्चित तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि भाई वो हमारे लिए काम किए तो उनके बारे में सोचेंगे। यदि आरक्षण नहीं देंगे तो उसके विरोध में हम लोग लड़ेंगे और उनको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। और रहा राजनीति करने का, तो हम लोग नवंबर के बाद जब संकल्प यात्रा खत्म होगा उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। सर, सनफ मल्ला कौन, हरी सनी या मुकेश? ये तो आप लोग को भी पता है और देश दुनिया के सबको पता है, आप ही बता दीजिए कि एक साल पहले कभी आपने नाम सुना था हरी सनी को? आप जितने भी मीडिया भाई है, आप ही लोग एक सुर में बता दीजिए, एक साल पहले कभी आप लोग नाम सुने थे? हाँ बोलिए, ना बोलिए, हाँ बोलिए कि ना बोलिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं सुने, एक साल पहले नाम नहीं सुने। आज भाजपा घबरा चुका है, भाजपा नेता प्रतिपक्ष बनाया किस लिए? मुकेश सहनी को क्रॉस करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनाया जाता है कि इस राज्य में अगर सरकार अच्छा काम ना करे तो उसको उंगली उठाए, उसको आईना दिखाया जाए। आज भाजपा क्या कर रहा है? मुकेश सहनी को टारगेट कर रहा है। भाजपा ये मान लिया कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं है,
नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है, बिहार में सन्ना पल्ला फैक्टर है। इसलिए मुकेश सहनी को टारगेट करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए आगे लाया गया। ये समाज आपने देखा, ये गंगा माता का सौगंध खाया है। ये समाज कभी बिखरने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं है, सभी लोगों ने बता दिया है। तो लोग भले कोशिश करें, लेकिन बिहार में सबको पता है सन्ना पल्ला कौन है, समाज के हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो आज हम लोग भाजपा से ही लड़ाई है। अगर वो निषाद समाज का हितैषी है तो निषाद समाज को आरक्षण लागू कर दे, हम लोग भी उनके साथ हो जाएंगे। यदि आरक्षण नहीं लागू होगा तो आने वाले समय में उनको हम डुबाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे? जी हाँ, निषाद आरक्षण को लेकर आप प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे? जी, इससे पहले कई बार मिल चुके हैं, जब भी वो बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जी है, कोई पान के दुकान पे तो बैठे नहीं है कि जब चाहे मिल लेंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो चाहेंगे तभी हम उनसे मिल पाएंगे। हम तो आग्रह हमेशा करते हैं आपके माध्यम से, आज भी आग्रह करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से हम चाहेंगे कि मिले और निषाद समाज का हक अधिकार दें। इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं, कई बार बात रख चुके हैं। वो हमेशा वो उन्होंने वादा किया है, इस बार वादा नहीं चलेगा, इस बार काम चलेगा। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो आरक्षण लागू करेंगे। धन्यवाद।